हेलो थ्रेन फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोग बढ़िया हो गए और बढ़िया होना भी चाहिए। आज कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बकवास नहीं, कोई भी ज्यादा बातें नहीं। टाइम कम है, वीडियो ज्यादा एक्सप्लेन करना है। और हाँ, साथ ही साथ आज बोनस वीडियो नहीं आएगा, तो परेशान बिल्कुल भी मत होना, टाइम से सो जाना। हमें वीक में 3 बोनस वीडियो एक्सप्लेन करने हैं। एक हमने कर लिया है, 2 और हम कर लेंगे, ठीक है। तो चलो अब एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को पिछला एपिसोड बता देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो यान हेवनवन माउंटेन के अंदर एंटर हो गया था। उसके साथ एक बंदा भी था जो यान को कुछ चीजें बताता है, सीक्रेट्स बताता है, अपना नाम बताता है, और उसका नाम काफी अटपटा भी था। सेंट जू हम उसे कहेंगे। देन हमने देखा था उसने जो यान और जियो दोनों को ही एक एक पिल दी थी जो कि ओरिजन कुई को रिफाइन करती थी। और उस पिल की हेल्प से जो यान अपनी ओरिजन कुई को रिफाइन कर लेता है और जियो यो अपनी ओरिजन कुई को। साथ ही जॉन को कुछ सीन्स भी दिखाई दिया थे जो काफी खतरनाक थे। देन हमने देखा था कि वो जियो यान को बताता है कि यहाँ पे उसे एक ब्रोकन स्लॉट चाहिए है। और इसके बाद वो सभी लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ वो जियो यान को ऑफर करता है ब्रोकन स्लॉट मेरी, और बदले में उसके सेंट साथ मिलने वाली सेंट स्किल तुम रख लेना, जिस पे अपना टर्की भी एग्री हो जाता है क्योंकि अपन को चाहिए ही क्या भाई, जितना मिलता जाए सब प्रॉफिट है, अपन तो नंगे आए थे, ऐसा टर्की का कहना है। वैसे वो गाना भी है ना, तू नंगा ही तो आया था क्या घंटा लेकर जाएगा। देन हमने देखा था एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लड़की को और एक लड़के को जो उस पर डोरे डालने की कोशिश करता है, जबकि वो लड़की तो किसी और लड़के को याद कर रही होती है। और जहां तक मुझे पता है तो ये लड़की नहीं बताऊंगा यार, तुम लोग पहले ही लगा चुके हो अंदाजा, मुझसे बड़े वाले ठरकी हो तुम लोग। तो वो लड़की एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है और वो कौन है मुझे मार देना कमेंट। साथ ही उस लड़की पे दूसरा लड़का लट्टू हो चुका है, लगता है इसके और जोयान के बीच में क्लैश होगा। देन हमने देखा था एक हाफ एजेंट मैन को जो कि अचानक से सिटी में अपेयर हुआ था, और वो एल्डर से पूछता है कि कितने लोग एंटर हुए। एल्डर बताते हैं 20,000 लोग। और इसके बाद वो उस लड़की के बारे में कहता है कि वो अब सेंट है और अब वो मेरी बेटी नहीं है, और इसके बाद अब उसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए और अपनी ग्लोरी को हासिल करना चाहिए, जिस पर वो लड़की रोने लगती है। और ये एपिसोड मैंने वहीं पे एंड किया था, तो ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हवा का एक तेज झोंका दिखाई देता है, और इसके बाद हमें वही खोखला माउंटेन दिखाई देता है जहाँ पे जो यो और बाकी सभी लोग एंटर हुए थे। तभी जो चौंकते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, और अपना सिर उठाकर वो लाल भूरी रंग की एक चट्टान को देखता है। उसने देखा था उस चट्टान के आसपास चारों तरफ नदियां बह रही होती हैं, और ये नदियां मैग्मा की होती है और यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है। साथ ही कोई भी नहीं जानता था कि ये लावा कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। और इस सीन को देखकर तो अपना ठरकी भी दंग रह जाता है, क्योंकि उसने भी कभी नहीं सोचा था कि इस पहाड़ के अंदर कुछ ऐसा होगा, एक छोटी सी दुनिया जो कि हर दुनिया से अलग थी। दूसरा सेंट जियो, उसकी आंखें काफी कोल्ड होती है और वो चारों तरफ देख रहा होता है, साथ ही हर जगह पर घूसे मुक्के बरसा रहा होता है। जिसके बाद सेंट जियो कहता है ये जगह है मैग्मा से भरी हुई, इसलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। हाँ हाँ चल अपने बाप को मत सिखा, जियान को सब पता है। जिसके बाद वहां पे मैग्मा पिलर्स रिलीज होते हैं और धुएं के गुब्बार आसपास छाने लगते हैं। तभी सेंट जियो कहता है वो यहीं पर है, चलो आओ ब्रोकन स्लॉट को ढूंढते हैं। और उसकी आंखें पिन होल की तरह सिकुड़ गई होती हैं, और इस टाइम पे बंदा काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहा होता है। साथ ही उसकी बॉडी के आसपास फैलने वाली डार्क गोल्डन ओरिजन कोई और भी ज्यादा गाढ़ी लग रही होती है, और उसके आसपास मैग्मा को आने तक नहीं देती। हालांकि तभी एक पावरफुल रोर की आवाज सभी डायरेक्शन से आती है, और मैग्मा पिलर के अंदर से काफी सारी ब्लैक फिगर्स निकलती हैं जो सेंट जियो की तरफ दौड़ पड़ती हैं। और ये ब्लैक फिगर और कोई नहीं, ये भी एशियंट एक्सपर्ट के उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए आए थे और अपनी जान गवा बैठे थे बेचारे। और इनकी जो मेमोरी और डिजायर्स थी वो अभी भी थी, इसीलिए वो इस तरीके के सोल बॉडीज में चेंज हो चुके थे और इस जगह को प्रोटेक्ट करने लगे थे। साथ ही ये सभी सोल बॉडीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। हालांकि सेंट जियो के आगे बढ़ने के साथ ही जियो यान और जियो यो भी अपनी मूवमेंट टेक्निक को एक्टिवेट करते हैं और पलक झपकते ही अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद कुछ ह्यूमन की सेव की आईज जो कि ब्लड रेड होती हैं उस डायरेक्शन की तरफ देखती हैं जहां जियो यान और जियो यो खड़े थे, और इसके बाद पावरफुल रोर करते हुए सेंट जियो की तरफ दौड़ पड़ती हैं। तभी जियान आगे बढ़ते हुए कहता है तो ये ऐसा ही है, इनमें से कुछ पावरफुल एल्केमिस्ट भी थे। और इसके बाद जोयान की स्पिरिचुअल पावर चारों तरफ छा जाती है, और जोयान को आगे का जो सीन दिखाई देता है वो केवल इनफाइनाइट मैग्मा होता है। साथ ही उस ब्रोकन स्लॉट के बारे में जैसे सेंट जियो ने कहा था आसपास तक कोई निशान नहीं होता, तब जियो यो कहता है मामू यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा है, शायद हम हार्ट कोर फ्लेम को यहाँ पे अर्थ कोर फ्लेम को यहाँ पे खोल सकते हैं। साथ ही जोयान भी इस टाइम पे काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि उसके दिल में उस ब्रोकन स्लॉट जिसकी सेंट जियो ने बात की थी और होली आर्ट उसके बजाय 1000 लीफ एशियंट एम्परर फ्लेम को रिवाइव करना ज्यादा बेनिफिशियल था, और जियान इसके लिए ज्यादा एक्साइटेड था। तभी जियान को अपनी नजरों के काफी ज्यादा दूर एक माउंटेन दिखाई देता है जो कि उसे साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा था, और उसके आसपास मैग्मा की नदियां उबल रही होती हैं और टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा होता है। यहां तक कि ओरिजन कुई के सपोर्ट के बाद भी जियान अपनी स्किन में हल्की हल्की जलन को फील कर सकता था। हालांकि तभी अचानक मैग्मा की सतह पर उतार चढ़ाव होने लगते हैं और मैग्मा पिलर्स आसमान में उड़ते हुए जियान की तरफ चार्ज हो जाते हैं। साथ ही रास्ते पे हर जगह पर हल्का सा झुलसाने वाला भी निशान होता है, और जियान इसे तुरंत ही भांप लेता है और तुरंत ही एक पाम अटैक करता है जिससे गोल्डन लाइट निकलती है और मैग्मा को चकना चूर कर देती है,
और खुद से दूर होने पर मजबूर कर देती है। हालांकि इनमें इतना दम नहीं होता कि जियान को परेशान कर पाए, पर फिर भी कुछ टाइम के लिए बिजी जरूर कर देती है। वाह वाह, ये तो राइमिंग मैच हो गई। और इस टाइम पे इन मैंगवा पिलर के कारण आसपास काफी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तभी जो यो उसकी आंखें पर्पल गोल्डन साइन होती है और उसकी बॉडी अचानक से नीचे आती है, जिसके बाद उसकी एनर्जी से एक काफी बड़ा हैंड क्रिएट होता है जो मैग्मा के नीचे पहुंचकर फ्लक्चुएशन को तुरंत ही रोकने लगता है। जिसके बाद जो यो मैग्मा वर्ल्ड से एक काफी बड़ी छिपकली पे कब्जा कर लेता है। साथ ही ये लाल छिपकली काफी ज्यादा फुर्तीली होती है, उसका शरीर भी हिल गया होता है और जो यो के हाथ से वो तुरंत ही छलांग लगा देती है। वैसे मैं एक लड़की को छिपकली कहता हूँ, अगर उसने ये वीडियो देखा तो वो नाराज़ हो जाएगी कि मैं जियो यो के हाथ कैसे लग सकती हूँ। चलो आगे चलते हैं। जिसके बाद वो छिपकली तुरंत ही एक चट्टान पे कूद जाती है और अपनी ब्लड रेड आइज से जियो यान और जियो यो को घूम रही होती है। साथ ही उसकी बॉडी से काफी बैड स्मेल आ रही होती है। दुर्गंध से याद आ गया, गाइस मैंने 550 रुपए का डेनवर का सेट मंगाया था परफ्यूम का। मैं ब्रांड न्यू पूरा का पूरा एक बॉक्स लेकर बेडिंग में गया था, पोजिंग मारेंगे। बारात के दिन किसी दूसरे के बॉक्स में मैंने मेरा परफ्यूम रख दिया, वो बॉक्स और परफ्यूम दोनों चले गए। मैंने सिर्फ एक दिन यूज किया था। उस दिन मुझे पता चला हार्ट फ्लेम बर्निंग का दर्द कितना ज्यादा होता है। चलो अब दुर्गंध पे बात करते हैं, नोवल पे बात करते हैं। उस छिपकली को जियान काफी सरप्राइजिंग तरीके से देखता है और इसके बाद चिल्लाते हुए कहता है, जो यो सावधान, इससे कि स्किन को टच मत करना, यह फायर पॉइजन है जो आपकी ऑरिजन कोई को इफेक्टिव कर सकता है। ये सुनकर जो यो तुरंत ही अपने हाथों को पीछे हटा लेता है और उसकी भौहें खड़ी हो जाती हैं। साथ ही उसने जब इस छिपकली को टच किया था तब उसे साफ तौर पर फील हुआ था कि उसकी ऑरिजन कोई काफी ज्यादा बुरी तरीके से फ्लक्चुएट हो रही थी। तभी जियान हंसते हुए कहता है, लेकिन हाँ, पॉइजन से लड़ने के लिए तुम पॉइजन का यूज कर सकते हो। और इसके बाद जो यान के हाथ में अफेयर होती है, जो यान की फ्लेम जो कि ब्लू कलर की होती है। और इस फ्लेम का नाम मुझे कौन बताएगा, कमेंट में बता देना ये कौन सी फ्लेम है। ये फ्लेम बिल्कुल एक बहते हुए पानी की तरह होती है जो जियो यान की बॉडी को ढक लेती है और गर्मी तुरंत ही गायब। और जियान को ऐसे फील होता है जैसे उसने अभी अभी नवरत्न तेल लगाया हो, ठंडा ठंडा कूल कूल। जिसके बाद उस फ्लेम के बाद जियान काफी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, पंच को क्रिएट करता है और एक खतरनाक पंच सीधा ही छिपकली के थोबड़े की तरफ बढ़ा देता है। जिसके बाद पावरफुल फोर्स के कारण वो छिपकली चट्टान को तोड़ते हुए काफी पीछे की तरफ जाती है। साथ ही जॉन का अटैक इस टाइम पे जॉन के अटैक के कारण छिपकली सीधा ही एक बार फिर से मैग्मा में जाकर गिरती है और काफी बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है। तभी जॉन कहता है, क्या खतरनाक चीज है, इसकी हड्डियां इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। जिसके बाद जो यान बिना किसी डर के बेखौफ तरीके से अपने पप्पा का राज समझते हुए मैग्मा में कदम रखता है। साथ ही अपने फ्लेम के सपोर्ट के साथ उसे इस मैग्मा से जलने की जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि जो जो फ्लेम जो यान के पास थी वो इस दुनिया की डिवाइन ऑब्जेक्ट थी और घंटा मैग्मा उसका कुछ उखाड़ सकता था। तभी जो यान को देखते हुए जो यो कहता है, अपने दिल में, मामू तू स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मुझे लगता है कि वो आदमी वो वास्तव में इतियान चैन, उसकी जो डिजायर थी तू उसे एक दिन जरूर पूरा करेगा। और ऐसा कहते हुए वो खुशी से हंसने लगता है। साथ ही उसने जो यान के साथ जो यान के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को देखा था और उनसे डील करते हुए जो यान को भी देखा था और उसने देखा था कि चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जो यान कभी भी हार नहीं मानता था। साथ ही उसने देखा था कि जोयान ने अपनी पावर कितनी मुश्किल और कितने पेन को झेलकर हासिल की थी। बेटा यहाँ तो फिर भी ठीक है, दुईकी कॉन्टिनेंट में तो हमारे ठरकी को क्या क्या नहीं कहा गया, तुम क्या जानो। फिर भी बंदे ने कठिन मेहनत की और इसके बाद दुईकी कॉन्टिनेंट की एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, चलो हटाओ ये मैं कई बार बोल चुका हूँ डायलॉग, तुम लोग को भी रट गया होगा। तभी एक थॉट के साथ जियान की बॉडी मैग्मा के अंदर जाती है और तुरंत ही बाहर निकलती है। और जियान के आसपास मैग्मा जैसे ही जियान की बॉडी को टच करता है तो मैग्मा ही जलने लगता है। अब मैग्मा खुद जल के क्या बन रहा है। तभी जियान एक फ्लैश के साथ जियो यो के पास पहुंचता है। हालांकि तभी जियो यो जियान को देखकर कुछ बोल पाता कि जियो यान जियो यो के हाथ को पकड़ता है और सीधा ही मैग्मा की तरफ दौड़ पड़ता है। ये देखकर जियो यो शॉक होते हुए कहता है, अरे मामू मार डालेगा क्या। तभी जियो यान मैग्मा से क्रॉस होता हुआ सीधा ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है और इसके बाद मैग्मा से काफी सारी अनगिनत रेड छिपकलियां निकलती हैं जो जियो यान और जियो यो को देख रही होती हैं और काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से रोर कर रही होती हैं। तभी जियो यो कहता है, क्या वो एशियन टेक्सवर्ड वास्तव में एक छिपकली थी, लेकिन वो वास्तव में इतने सारे कैसे हो सकते हैं, क्या ये उसके बच्चे हैं मामू। और इसके बाद जियो यो अपने मुंह को पीछे करके इतनी सारी छिपकलियों को देखता है जो टिड्डियों के ग्रुप की तरह होती हैं। जिसके बाद जियो यो कहता है, मामू इस तरीके से दौड़ना हमारे काम नहीं आएगा, हमें उन्हें पीछे से हटाने का तरीका सोचना होगा। तभी जियान कहता है, चिंता मत करो, मुझे पता था सेंजियो का क्या मतलब है। और इसके बाद जियान स्माइल करते हुए अपने स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ रिलीज करता है और अपने पीछे की छिपकलियों को स्कैन करने लगता है। जियान को पता था कि इन छिपकलियों में कोई ना कोई तो इनके ग्रुप का लीडर भी होना चाहिए जो इन्हें ऑर्डर दे रहा था और इन्हें कंट्रोल कर रहा था, और जियान को केवल उसे ही ढूंढने की जरूरत थी जिसे हराने के बाद ये सब छिपकलियां अपने आप ही तितर बितर हो जाएंगी। अचानक ही कुछ देर तक सोचने के बाद जियान कहता है, मिल गया, सेंजियो का मतलब बिल्कुल यही था। इसकी बॉडी पे चोटें इतनी ज्यादा नहीं है और इसकी बॉडी में केवल
फायर पॉइजन है और मेरी सिचुएशन टेक्निक के साथ ये काफी है कि मैं इसे मार डालूंगा। और इतना बोलने के बाद जोयान पावरफुल तरीके से रोर करते हुए गोल्डन लाइट से सरा बोर हो जाता है और अपने आप को पूरी तरीके से ब्लू फ्लेम के साथ रिकवर कर लेता है। और यहाँ पे जोयान बिल्कुल एक फ्लेम दी गॉड की तरह दिखाई दे रहा होता है, जो अपने पीछे की छिपकलियों के ग्रुप के अंदर घुसता हुआ सब कुछ काटता पीटता चीरता एक ब्लैक लेजर्ड की तरफ बढ़ जाता है। साथ ही उस ब्लैक छिपकली का शेर अजगर की तरह काला होता है। राइटर पगला गया है का? अजगर कब से काला होने लग गया? राइटर ने कौन सा वाला अजगर देख लिया है? हो सकता है एनाकोंडा हो वो। चलो आगे चलते हैं। जोन ने देखा था कि इस छिपकली के पास अजगर का सिर था और छिपकली की बॉडी, चाइना वाले कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि आगे बढ़ते हुए जोयान की बॉडी से गोल्डन लाइट साइन होती है और एक खतरनाक प्रेशर चारों तरफ छाने लगता है और उसके आसपास आने वाली हर एक छिपकली को उड़ाने लगता है। साथ ही जोन के पंच की पावर लगातार बढ़ती हुई जा रही होती है और ब्लैक छिपकली के सामने आती जा रही होती है। और जब जोन का पंच छिपकली से टकराने वाला था कि तब वो छिपकली जो कि इन सभी छिपकलियों की रानी थी या कि राजा थी, जो कुछ भी हो हमें क्या पता, वो जोन के पंच का सामना करते हुए बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। क्या खड़ा हुआ होता है? छिपकली क्या है ये? खड़ा हुआ होता है। उसकी आंखें कोल्ड आइस की तरह जोयान को देख रही होती हैं और ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तभी बाकी की लाल छिपकलियां जोयान को अपने मास्टर पर अटैक करते हुए देखती है तो तुरंत ही नाराज हो जाती है और काफी बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है, जो कि किसी के भी कान के पर्दे को फाड़ सकती थी। सॉरी थ्रियन फैमिली, वीडियो थोड़ा सा लेट हो सकता है, आज एडजस्ट कर लेना, क्योंकि चाचा चाची और भाई मतलब छोटा सा लल्ला हॉस्पिटल से लौटे हैं तो सभी लोग बस आने जाने में लगे हुए हैं, तो बार बार कोई आकर डिस्टर्ब कर जाता है। मेरे पास बैठ के दरबार कर रहे हैं, मुझे नहीं करना दरबार फिर भी कर रहे हैं, मना भी नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता, क्या ही कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। इस टाइम पे काफी सारी छिपकलियां कूद कूद कर अपने किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जोयान के सामने एक बैरियर को क्रिएट करने लगती हैं। तभी जोयान का पंच उसके वाइब्रेशन से अनगिनत छिपकलियां वहीं के वहीं ढेर हो जाती हैं। तभी जोयान को फील होता है कि उसके आसो पास का चारों तरफ का टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया है और असंख्य छिपकलियां उसी की तरफ दौड़ रही हैं और पल भर में ही उसे पूरी तरीके से घेर लिया गया था। तभी जोयो कहता है, मामू जिंदा लौट के आई हो, मैं भी आ रहा हूँ। और इसके बाद वो भी तुरंत ही अपनी बॉडी को मूवमेंट कराता है और हाथों में पर्पल ऑरिजन को कंडेंस करने लगता है और छिपकलियों के ग्रुप की तरफ दौड़ पड़ता है, जिसके बाद उसका भी पंच अचानक से बाहर की तरफ सूट होता है और काफी वाइल्ड इविल कोई, वाइल्ड स्ट्रॉन्ग कोई जो कि एक माउंटेन जैसी थी, अचानक से बाहर निकलती है और अनगिनत छिपकलियां अगल बगल बिखर जाती हैं और काफी ज्यादा रोर और चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिससे कुछ देर के लिए तो उसका सिर ही सुन्न हो जाता है। और भले ही उसने काफी सारी छिपकलियों को हरा दिया था, फिर भी यहाँ पे छिपकलियों की संख्या काफी ज्यादा थी और वो जोयान को काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आसपास फंसा रही होती हैं। ये देखकर तो जोयो भी चौंक गया था, क्योंकि अंदर से काफी हड्डियां टूटने की आवाज आ रही होती है, जिससे जोयो की आंखों से तो लगभग गुस्सा फूटने लगता है और पूरी बॉडी से ऑरिजन कोई निकलने लगती है। और जैसे ही ऑरिजन कोई जोयो की बॉडी से निकलती है, तुरंत ही ऐसा लगता है कि जैसे एक जायंट ड्रैगन में बदल गई हो। जोयो की आंखें इस टाइम पे ब्लड रेड हो गई होती है और वो काफी नाराजगी से आसमान को घूर रहा होता है। साथ ही एक खतरनाक टेम्परेचर ऑरा जो लगभग हर किसी को डरा सकता था चारों तरफ बिखरने लगता है, जिससे आसपास की बाकी रेड कलर की छिपकलियां आगे बढ़ने और हिम्मत कर हलने तक की हिम्मत नहीं करती। दूसरी तरफ वो ब्लैक छिपकली उसकी आंखें भी काफी ज्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही होती है जोयो को देखकर, और इसके बाद उसकी नजर जोयो के पीछे रियल ड्रैगन पर जाती है और वो ड्रैगन जो जोयो के पीछे था पावरफुल तरीके से आसमान की तरफ रोर कर रहा होता है। तभी कुछ एक्साइटेड छिपकलियां जोयो के ऊपर अटैक कर देती हैं और ये छिपकलियां ऐसी लग रही थी जैसे इन्हें मौत का कोई भी डर ना हो। तभी वो ब्लैक छिपकली जो की सभी छिपकलियों के बीच में खड़ी हुई होती है तुरंत ही कहती है, रियल ड्रैगन, ट्रू ड्रैगन, और बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेज बोलती है। और इसके बाद वो उन छिपकलियों को देखती है जो जोयो को फंसा रही थी, तो वो बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह स्माइल करता है, जिसके बाद वो कहता है, आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग समझते हैं, यहाँ के ट्रेजर्स के बारे में सोचने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद वो मुड़कर उस डायरेक्शन पे देखती है जहाँ पे काफी सारी लाल छिपकलियां एक बॉल की तरह जोयान को घेरे जा रही होती है और हड्डियों के चटकने की आवाजें आ रही होती है। जिसके बाद वो ब्लैक छिपकली जिसका नाम ब्लैक ड्रैगन सैलामेंडर था, वो तुरंत ही कहती है, एक बार जब मैं उसे खा लूंगा तो मैं एक रियल ड्रैगन बन जाऊंगा और उसके बाद मैं इस जगह से बचकर निकलूंगा और टूटी हुई स्लॉट को हासिल करने के बाद मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और उसकी आंखों में एक ऐसा थॉट होता है जैसे कि वो अनगिनत सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा हो और बाहर जाने का तो बंदे ने पूरा सपना सजा लिया था। जिसके बाद वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ का गार्डियन हूँ? तुम सब केवल मरने लायक हो। जिसके बाद ब्लैक ड्रैगन वो रात याद करता है जब इस माउंटेन का ओनर वापस से पुनर्जन्म लेना चाहता था, लेकिन पर्पल लाइटिंग अचानक से उसके ऊपर गिरती है और उसकी पूरी बॉडी को पलक झपकते ही राख में बदल देती है। और उस टाइम पे यहाँ पे ये मैग्मा पूल क्रिएट हो जाता है। और ऐसा सोचते हुए
उस ब्लैक छिपकली की आंखें रेड साइन हो रही होती हैं और उसके मुंह से किसी के भी कान को फाड़ने वाली भिन भिनाहट की आवाज निकल रही थी, जिससे सभी छिपकलियों को एक मैसेज मिल जाता है और बाकी की बची हुई छिपकलियां जोयो पर पागलपन तरीके से अटैक कर देती है। साथ ही जोयो तो पर्पल ओरिजन कुई से ढका हुआ होता है और इस टाइम पे फाइट करने का मन तो जोयो का पहले ही एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका था और उसके फेंके हुए हर एक पंच में काफी ज्यादा पावर होती है। यहाँ तक कि मोनार चैंपियन लेवल का हर एक वॉरियर पीक लेवल के होते हुए भी मर सकते थे। यहाँ तक कि मोनार चैंपियन लेवल के पीक लेवल की जो छिपकलियां भी थी वो जोयो के पास तक नहीं पहुंच पा रही थी। हालांकि इस आवाज के बाद छिपकलियां काफी ह्यूज क्वांटिटी में जोयो की तरफ दौड़ने लगती और इन्हें तो मरने का भी डर नहीं था। साथ ही ब्लैक ड्रैगन सेरामेंडर के कंट्रोल में ऐसा लग रहा था कि ये पागल हो गई हो और उनकी पावर पहले से भी स्ट्रांग हो जाती है और इनकी बॉडी में फायर पॉइजन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और उस पॉइजन के कारण जोयो की लगभग आधी बॉडी में उसकी ओरिजिन कुई को सील कर दिया गया होता है। तभी जोयो अपने दांत बीजते हुए कहता है, ये वास्तव में परेशानी वाली है और इसके बाद एक बार फिर से अपने पंच को शूट करता है और लाल छिपकलियां खून बिखराते हुए जमीन पर बिखर जाती है। तो अगले पल और भी छिपकलियां आ जाती हैं और ऐसा लग रहा होता है जैसे नीचे कोई फैक्ट्री चल रही हो, जिससे ये लोग हर दिन लॉन्च होती जा रही थी। जिसके बाद जोयो कहता है, मामू तू अब तक बाहर क्यों नहीं आया, तुझे कुछ हुआ तो नहीं है? और जैसे ही वो अपने ध्यान को डाइवर्ट करता है फार्फ फायर पॉइजन अचानक से फैल जाता है और उसके ओरिजिन कुई के डिफेंस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे जोयो का दिल कांप उठता है और वो अपनी सांसों को तुरंत ही रोकता है और अपने ध्यान को कंट्रोल करते हुए प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन से निपटता है। और उसे कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये छिपकलियां जोयो को फंसा सकती हैं। साथ ही उसे पता था इस फायर पॉइजन के सामने तो एक रियल मोनार्च कल्टीवेशन लेवल का एक्सपर्ट भी मर सकता था। तभी काफी कॉन्फिडेंट तरीके से वो ब्लैक छिपकली अपने दांतों को दिखाते हुए हंसने लगती है, लेकिन तभी जो यो के बाल हवा में नाचने लगते हैं और वो अपनी ओरिजिन कुई से काफी सारे मैग्मा छिपकलियों के अटैक को रोक देता है और इसके बाद उसकी बॉडी से ट्रू ड्रैगन ऑरा रिलीज होता है जो ब्लैक छिपकली को भी झकझोर कर रख देता है। तभी जो को थके हुए फेस इंप्रेशन के साथ देखकर ब्लैक ड्रैगन काफी ज्यादा खुश होता है और इसके बाद वो मैग्मा छिपकलियों के बीच से बाहर निकलता है और अपने ड्रैगन के सिर को उठाकर अपने मुंह को झटका देते हुए जोयान जोयो की तरफ देखता है और इसके बाद वो जोयो की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी एक तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है, बूम, और काफी सारी छिपकलियां उनके टूटे हुए बॉडी पार्ट चारों तरफ बिखर जाते हैं, खून बिखर जाता है। और इससे पहले कि वो ब्लैक छिपकली कोई एक्शन ले पाता कि एक तेज हवा चलती है और उसके निचले जबड़े पर एक पावरफुल तरीके से अटैक होता है और फोर्स इतना ज्यादा खतरनाक था कि बेचारी उड़ती हुई काफी दूर तक जाकर गिरती है। जिसके बाद जोयान काफी ज्यादा कोल्ड आइस के साथ उसे देखता है और जोयान की बॉडी के चारों तरफ अभी भी ब्लू कलर की फ्लेम लिपटी हुई होती है। साथ ही स्टाफ जोयान के फोरहेड के बीचों बीच एक तीसरी आंख भी लग रही होती है। साथ ही जोयान ने तो खुद को फंसने दिया था और वो तो केवल नौटंक कर रहा था ताकि ये ब्लैक छिपकली अपने घेरे से बाहर आए। जिसके बाद जोयान को अच्छा चांस मिलते ही उसने इसकी लंका लगा दी होती है। जिसके बाद जोयान के पैरों में स्टार लाइट साइन होती है और वो हवा में कदम रखता है और स्पेस में टेलीपोर्ट होते हुए जैसे फील होता है और इसके बाद तुरंत ही ब्लैक छिपकली की गर्दन पकड़ लेता है और जोयान के पंच में इतनी ज्यादा पावर होती है कि यह आसमान को भी हिला सकती थी। तभी वो छिपकली हवा में उड़ते हुए जमीन पे गिरती है और उसकी आंखें नफरत से भरी हुई होती है। हालांकि वो बस अपने एक थॉट के साथ छिपकलियों को कंट्रोल करने ही वाला था कि तभी अचानक उसके पीछे की जगह पर फ्लक्चुएशन होता है और जोयान वहां से बाहर आता है और तुरंत ही अपनी पंच से तीन उंगलियों को बाहर करता है जिनमें तीन अलग 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 कलर की फ्लेम्स होती हैं और वो सीधा ही ब्लैक छिपकली के गले पर अटैक कर देती हैं। जिसके बाद ब्लैक छिपकली अपना मुंह तो खोलती है लेकिन मुंह पे साउंड नहीं होता, ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने उसे म्यूट बटन पे डाल दिया हो। साथ ही उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जिसके बाद जोयान कहता है, आइए देखते हैं आप इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही जोयान इतनी देर तक केवल इसीलिए फंसा हुआ था क्योंकि वो देखना चाहता था कि ये बंदा आखिरकार छिपकलियों को कंट्रोल कैसे कर रहा था। जिसके बाद जोयान रियलम ट्रेवलर्स जेट का यूज करके टेलीपोर्ट करते हुए इसे पकड़ लेता है और इसे कुछ भी आवाज निकालने ही नहीं देता और उसकी आवाज ना निकलने के कारण अनगिनत मैग्मा छिपकलियां जो बाहर आई थी तुरंत ही बिखर जाती हैं और मैग्मा के अंदर चली जाती हैं। साथ ही वो जोयान और जोयो को देखे होते हुए काफी ज्यादा डरी हुई भी होती हैं। दूसरी तरफ वो ब्लैक ड्रैगन सेलामेंडर काफी ज्यादा डरा हुआ तरीके से जोयान और जोयो को देख रहा होता है और वो जोर जोर से हाँप रहा होता है और उसकी आंखों में काफी ज्यादा नफरत होती है। तभी जोयो जोयान की तरफ आते हुए कहता है, तो मामू आखिरकार तू ठीक है, तुझे कुछ भी नहीं हुआ? साथ ही उसका चेहरा भी काफी थका हुआ होता है और उसने कम से कम 600 मैग्मा छिपकलियों को मार डाला था। साथ ही इन छिपकलियों ने उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था लेकिन एनर्जी का ज्यादा यूज करने के कारण बंदा थोड़ा सा थक गया था। तभी जोयान कहता है, हमें यहाँ के ट्रेजर्स के पास ले जाओ। और इसके बाद जोयान ब्लैक ड्रैगन सेरामेंडर के सिर से निकला हुआ ड्रैगन हॉर्न को पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए उससे कहता है। ये सुनकर बंदा थोड़ा सा खांसता है और इसके बाद जोयान को देखता है जिसके हाथ में उसका ड्रैगन हॉर्न होता है और वो इस टाइम पे मुक्त होने में भी काफी ज्यादा मुश्किल था। साथ ही उसके गले में खून जम चुका था इसलिए बेचारा बोलने की कोशिश करता है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा होता। तभी जोयान कहता है, तुम्हें
चबड़ चबड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल रास्ते पे चलते चलो और हमें उस रास्ते पे ले जाओ। और ऐसा कहते हुए जॉन उसके पिछवाड़े पे एक लात मारता और उसे आगे की तरफ धकेल देता है। साथ ही उस पावरफुल फोर्स के कारण बेचारा एक चट्टान से टकराता और दर्द भरी चीखे वो मारना तो चाहता था लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। हालांकि तभी ब्लैक सैलामेंडर इस मौके का फायदा उठाकर मैग्मा की नदी में छलांग लगाकर भागने ही वाला था कि तभी जोयो जो कि उसे काफी गोल तरीके से देख रहा होता है वो तुरंत ही उसके इरादों का पता लगा लेता है और अपनी ओरिजन कोई को चारों तरफ स्प्रेड करके उसे फंसा लेता है। तभी जॉन कहता है तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि अपने स्लैब्स और उन फायर लिजर्ड्स के सपोर्ट के बिना तुम्हारी काबर इतनी सी ही है। और इतना कहने के बाद जॉन एक पंच बेचारे के पेट में बढ़ा देता है और इस पंच के साथ ऐसा फील होता है कि जैसे उसके पेट से लावा बहने लगा हो। जिसके बाद जॉन कहता है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी तुम्हारी बॉडी का फायर पॉइजन बाकी के लेजर्ड के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जॉन ने अपनी ब्लू कलर की फ्लेम में हल्की सी भिनभिनाहट को फील किया था जो कि इस पॉइजन को रिफाइन कर रही होती है। और एक फायर पॉइजन जो कि रिफाइनिंग एम्परर हेतियान यान के भाव बदल सकता था वो तो काफी हाई लेवल का ही होगा। तभी अपनी बॉडी के पॉइजन को मेल्ट होता हुआ देखकर वो बंदा काफी सरप्राइज होता है और इसके बाद काफी हैरान तरीके से जॉन की ब्लू फ्लेम को देखने लगता है क्योंकि इस फ्लेम ने उसे बार बार काफी बड़े बड़े झटके दिए थे। जिसके बाद वो काफी देर तक सोचने के बाद कहता है वो क्या ये एम्परर फ्लेम है। इस आवाज को सुनकर तो अचानक जो यान चौंक जाता है और ब्लैक ड्रैगन सैलामेंडर की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है तुम अभी भी इसे पहचान सकते हो, ये अच्छा है तुमने सही पहचाना, ये एम्परर फ्लेम है, वैसे तुम्हें क्या लगता है। ये सुनकर ब्लैक ड्रैगन सैलामेंडर शांत होते हुए कहता है तुम कौन हो, तुम्हारे पास एम्परर फ्लेम है फिर भी तुम यहाँ की चीजों की लालच कर रहे हो। और उसकी आंखों में हल्का सा डर भी होता है। तभी जॉन कहता है तुम कितनी बकवास कर रहे हो, मैं और देर तक सब्र नहीं कर सकता। जिसके बाद जॉन कहता है मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मैग्मा के नीचे क्या है। तभी वो छिपकली काफी देर तक सोचने के बाद कहती है यहाँ की ये जगह काफी बड़ी है और ये वो जगह है जहाँ पे डेड पर्सन स्लीप पे है। तभी जॉन कहता है हमें नीचे ले चलो, सत्यम से निपटने के लिए छिपकलियों के झुंड को इकट्ठा करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, भले ही चाहे ये मैग्मा में हो हम दोनों केवल एक थॉट के साथ तुम्हें मार सकते हैं। जिसके बाद जोयान पलक झपकाते हुए जोयो को देखता है और जोयो अपने पर्पल कुई से बने हुए हैंड को गायब कर देता है और ब्लैक सैलामेंडर को फ्री कर देता है। साथ ही सामने वाले की पावर एम्परर कल्टीवेशन लेवल पर ही थी और उसकी बॉडी का पॉइजन विजन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। तभी ब्लैक ड्रैगन सैलामेंडर तुरंत ही कहता है ठीक है मेरे पीछे आओ, और वो काफी ज्यादा उदास भी होता है और उसकी आवाज क्लियर होती है जिसके बाद वो मैग्मा के नीचे कूद जाता है। तभी जॉन कहता है ध्यान से, और जोयो भी अपना सिर हिलाते हुए तुरंत ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए ब्लू फ्लेम से ढक जाते हैं और मैग्मा के अंदर कूद जाते हैं। और मैग्मा का ये मैग्मा जोयान के फ्रेम के टच में आते ही बेचारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाता, बस मैग्मा का यही कहना होता है तो हम क्या करें, नौकरी छोड़ दें, फिर हमको बनाया ही कोई है जब हमारी कोई इज्जत नहीं। और जोयान और उनके जाने के बाद ये जगह काफी शांत हो जाती है और उस जगह पर सेंजुआ पेयर होता है तो वो इस जगह पर फाइटिंग के सिम्टम्स को देखता है। उसने देखा था यहाँ पे चारों तरफ मैग्मा छिपकलियों की डेड बॉडीज और टूटी हुई बॉडीज पड़ी हुई थी जिससे वो इधर उधर देखने लगता है और उसका तो दिमाग ही खराब हो गया था। साथ ही वो काफी डरा हुआ होता है कि अगर उसके ऊपर मैग्मा छिपकलियों ने अटैक कर दिया तो उसके पास ज्यादा पावर नहीं थी यहाँ से बचने के लिए क्योंकि उसने पहले ही बहुत सारी एनर्जी को पीछे ब्लैक शैडोज के साथ फाइट करने में निकाल दी थी। जिसके बाद वो कहता है मुझे उम्मीद है कि बच्चे तुमने कुछ हासिल किया होगा, उसके पास सिचुएशन टेक्निक है यहाँ तक कि नॉर्मल छिपकली उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगी। और इतना कहने के बाद सेंजू पालथी मार कर बैठ जाता है और मैग्मा की नदी को देखने लगता है और कोई नहीं जानता था कि बंदा क्या सोच रहा था। साथ ही उसके सामने एक उलझा हुआ क्रिम्सन लाल होता है और ये मैग्मा ऐसा फील हो रहा था जैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता था। और इस टाइम पे जोयान के एम्परर फ्लेम के लिए नहीं होता तो शायद मोनार्क कल्टीवेशन लेवल का एक्सपर्ट भी इस मैग्मा के अंदर मर सकता था। और इस टाइम पे जोयान और जोयो ब्लैक ड्रैगन सैलामेंडर के साथ पीछे पीछे जा रहे होते हैं। साथ ही उन्हें ऐसा फील हो रहा होता है कि वो लोग इस मैग्मा के अंदर किसी उजाड़ सी जगह के अंदर एंटर हो गए थे जो काफी हैरान कर देने वाली थी। तभी जोयो कहता है मामू ये इतनी देर से अंदर की तरफ जा रहा है लेकिन ये अभी तक किसी जगह पर क्यों नहीं पहुंचा, मामू मुझे नहीं लगता कि ये हेवन डिवाइन माउंटेन का हार्ट होगा, है ना। साथ ही उसने देखा था कि आसपास का जो मैग्मा था उसका कलर और भी ज्यादा डार्क और चिपचिपा होता जा रहा होता है। साथ ही करीब से देखने पर उसे फील हुआ था कि ये इसके आसपास एक जलती हुई फ्लेम थी जो काफी ज्यादा अजीब थी। साथ ही इस टाइम पे जोयान भी काफी ज्यादा सीरियस होता है क्योंकि वो लगभग एक घंटे से ब्लैक ड्रैगन सैलामेंडर का पीछा कर रहे थे लेकिन अभी तक अंत नहीं देख पाए थे। तभी जोयान कहता है इस मैग्मा वर्ल्ड का नाम क्या है। साथ ही मोनार्क यानी एम्परर हेतियान यान के साथ जॉन को मैग्मा में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन इस टाइम पे जोयान भी काफी सीरियस होता है। तभी अचानक आवाज आती है यहाँ पे और जोयान और सभी लोग ब्लैक सैलामेंडर की तरफ देखते हैं जो अचानक बोल रहा था। जिसके बाद ब्लैक सैलामेंडर अचानक से आगे की तरफ छलांग लगाता है और गायब हो जाता है जैसे कि वो इस जगह से गायब हो गया हो। जिसके बाद जॉन कहता है तो ये ऐसा है, क्या बढ़िया चीज है। और इसके बाद जॉन ये देखकर ज्यादा देर तक रुक नहीं पाता और इस्तेमाल करते हुए जॉन और जोयो एक ही साथ में आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद वास्तव में एक
एक अब नॉर्मल ऑरा फील होता है, जिससे उन्हें फील होता है कि ये एक फॉर्मेशन है। और जब वो उसे टच करते हैं तो एक हल्की सी रेड लाइट साइन होती है और वो लोग गायब हो जाते हैं। और अगले पल उन्हें जो दिखाई देता है वो उनके सामने इनफाइनाइट रेड मिट्टी होती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हर तरफ से गायब होकर एक अजीब और शांत जगह पर आ गए हो। जिसके बाद जब वो सिर उठाकर देखते हो तो आसमान पूरी तरीके से रेड होता है, जिसके बाद अचानक एक आवाज आती है, मैंने कितने सालों से इस जगह को प्रोटेक्ट किया है, तुम दोनों को क्या अथॉरिटी है कि तुम इस जगह पर आकर उस ब्रोकन स्लॉट को वापस लाओ। और इसके बाद वो घूमकर जियोयान और जियोयो को देखता है और उसके चेहरे की घबराहट अब मजाक में बदल गई होती है। और इसके बाद वो एक फीकी आवाज से अपने पैर से ठोकर मारता है और एक लाल रंग की पर्वत की चोटी से कुछ चट्टानें उठती है और एक बड़े से गोले में बदल जाती है। और ये दो बड़े बड़े सूरज की तरह होती है जिनके अंदर मैग्मा भरा हुआ होता है और ये जियोयान और जियोयो की तरफ बढ़ रही होती है। जिसके बाद वो कहता है कि आपको लगता है कि उन छिपकलियों के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, यहाँ का हर एक माउंटेन मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। साथ ही उसके पीछे उसकी आंखों में ब्लैक फ्लेम साइन हो रही होती है और उसकी बॉडी बिल्कुल एक रियल ड्रैगन की तरह लगने लगती है। जिसके बाद वो कहता है इस जगह पर मैं एक रियल ड्रैगन हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक रियल ड्रैगन की पावर क्या है। तभी जियो कहता है तो चलो हो ही जाए दो दो हाथ और मुक्का लात। और इसके बाद जियोयो ऐसा कहते हुए एक पावरफुल रोर करता है और पर्पल कोई उसके चारों ओर कंडेंस होने लगती है और पर्पल लाइट में बदलने लगती है। जिसके बाद अनगिनत लाइटिंग बोल्ट उस तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिसके बाद एक पर्पल गोल्डन ड्रैगन आसमान में उड़ जाता है। और इसकी ड्रैगन कोई काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है, जो कि दुनिया में किसी भी चीज को सप्रेस कर सकती थी। और इसका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि मानो ये दुनिया को रूल कर सकता था। दूसरी तरफ आसमान की दूसरी तरफ एक विशाल काला जायंट अजगर होता है जो ब्लैक लाइट से नहाया हुआ होता है और इसका ऑरा भी काफी तेज तर्रार लग रहा था और उसकी आंखें ब्लड रेड होती हैं। साथ ही इस टाइम पे जियोयो उसकी बॉडी से काफी होली ऑरा रिलीज हो रहा था जो कि उसे काफी ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल दिखा रहा होता है, जबकि ब्लैक ड्रैगन उसकी बॉडी से घंटा कुछ भी रिलीज नहीं हो रहा था और ये बिल्कुल सस्ता सुंदर टिकाऊ चाइनीज ड्रैगन की तरह लग रहा होता है जिसका रात भर भी टिक पाना पॉसिबल नहीं लग रहा था। और उसके ऑरा जियोयो के ऑरे से टकराते ही पचर पल भर में ही सप्रेस हो जाता है। जब जियोयो की ड्रैगन में चेंज हो गया था और ये उसकी ओरिजिनल बॉडी थी, काफी शांत तरीके से सामने के ड्रैगन को देख रहा होता है। साथ ही जियोयो जब उसकी पावर बढ़ी थी तो उसे अपने पास्ट के बारे में काफी कुछ चीजें याद आ गई थी, कुछ सुप्रीम स्किल ब्लड लाइन पावर और वो ब्लड लाइन के सीक्रेट जो उसके ब्लड लाइन के अंदर थे उन्हें वो अब आसानी से अपेयर कर सकता था। दूसरा जियोयान भी इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जिसके बाद जियोयान उस रॉकमैन को देखता है जिसे इसने क्रिएट किया था और वो जियोयान की तरफ बढ़ रहा होता है। और इसके सामने तो जियोयान एक चींटी से भी छोटा था, फिर भी जियोयान कहता है चलो तुम्हें भी देख लेंगे और थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। और इसके बाद तोप के गोले की तरह जियोयान उसकी तरफ बढ़ता है और इसके बाद गोल्डन लाइट से भरा हुआ जियोयान का हाथ सीधा ही आसमान को चीरता हुआ उससे जाकर टकराता है और बिना कोई फैंसी चाल के उसकी छाती पे अटैक कर देता है, जिसके बाद उसके पत्थरों के टुकड़े चारों तरफ बिखरने लगते हैं और सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। साथ ही जियोयान स्टोन मैन के पंच से डॉज कर लेता है। साथ ही जियोयान ने देखा था स्टोन मैन की पावर तो काफी ज्यादा थी और पंच काफी खतरनाक, लेकिन बंदा थोड़ा सा स्लो था इसलिए जियोयान इसके अटैक से काफी आसानी से डॉच कर पा रहा था। हालांकि तभी जियोयो को देखते हुए ब्लैक ड्रैगन अचानक से फुफकार मारता और उसकी बॉडी से ब्लैक लाइट रिलीज होती है और काफी सारे ड्रैगन स्केल उसकी बॉडी में आ जाते हैं जो कि स्पेस को चीर रहे होते हैं। जिसके बाद वो एक ही टाइम पे जियोयान और जियोयो दोनों पर ही काफी अजीब सा अटैक करता है। साथ ही उसके ब्लैक स्केल पे ऐसे देख कर लग रहा होता है कि जैसे इसके अंदर कोई खतरनाक पॉइजन हो। तभी जियोयान इसे देखते हुए कहता है तुझे सच में लगता है कि ये छोटी मोटी टुच्ची पुच्ची चीजें मुझे चोट पहुंचा सकती हैं? और जियोयान तुरंत ही अपा में गायब होकर अचानक ही आसमान से अंगूठे के आकार के काफी सारे फायर लोटस को आगे बढ़ा देता है और इतने सारे फायर लोटस तुरंत ही उन सभी स्केल्स को रोक देते हैं। दूसरा जियोयो भी एक पावरफुल रोर करता है और ये रोर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक था, जिसके बाद उसकी बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट के पास से पर्पल गोल्डन साइन करते हुए ड्रैगन स्केल्स निकल पड़ते हैं जो कि हवा में जाते हुए हर एक ड्रैगन स्केल को चीर देते हैं और ये शून्य को भी यानी कि वॉइड को भी फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। तभी जियोयान के पंच के पैक से सभी ड्रैगन स्केल लगभग जलकर मैग्मा में बदल गए होते हैं और जमीन पर गिर गए होते हैं। साथ ही रॉक गोलम जो कि काफी धीमी स्पीड से धीरे धीरे बढ़ रहा होता है वो एक बार अपने पंच को फिर से जियोयान की तरफ बढ़ा देता है। हालांकि तभी जियोयान का पंच जो रॉक गोलम के पंच के 0.1% का भी साइज का नहीं था उससे टकराता है और इसके बाद हड्डियां टूटने की आवाज बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन रॉक गोलम टूटी हुई पतंग की तरह हवा में काफी दूर तक उड़ता हुआ जाता है। दूसरी तरफ जियोयान के हाथ से गोल्डन ब्लड निकल रहा होता है। तभी ब्लैक ड्रैगन सेलामेंडर तुरंत ही उदास आवाज के साथ कहता है कितनी खतरनाक पावर है, ये पंच एक एम्परर कल्टीवेशन लेवल के वॉरियर को मार सकता है और मोनार्च एम्परर लेवल के वॉरियर को जर्ड कर सकता है, ये आदमी कितना ईगोफुल है। साथ ही इस टाइम पे इसकी आंखों में कट्टरता को साफ साफ देखा जा सकता था। जिसके बाद वो जियोयो को देखते हुए कहता है अगला नंबर आपका होगा,
और उसके बाद वो जियो यो की तरफ बढ़ पाता है। दूसरी तरफ जियो यो की आंखें अभी भी उसी को देख रही होती है, साथ ही वो जियो यान को देखता है जो कि अभी भी ठीक दिखाई दे रहा था, इसलिए वो ज्यादा उसकी फिक्र नहीं करता, बल्कि वो किससे ही कहता है ये आदमी कभी कभी कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो जाता है। पंच से डायरेक्ट पंच को भिड़वाने की क्या जरूरत थी, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम उन दोनों को नाराज कर दोगे। तुम्हें याद रखना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें क्या कहा था। इसके बाद मामू वो दोनों तुम्हें पीट भी सकती है, फिर मैं तुझे बचाने नहीं आऊंगा, और ऐसा कहते हुए जियो अजीब तरीके से इस्तेमाल करता है, उसकी आंखें अजीब तरीके से लाइट अप होती है। तभी ब्लैक सैलामेंडर कहता है तुम क्या कह रहे हो, जिस पे जियो कहता है तेरे काम की बात नहीं है, तू कुंवारा ही मरने वाला है, और इसके बाद इस्तेमाल करते हुए अपनी पूंछ को घुमाता है। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन की आंखें तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई होती है, और वो जियो यो को देख रहा होता है और काफी यही सोच रहा होता है कि अगर मैं इसे मार कर खा लूं और इसके ऑरे को अब्सॉर्ब कर लूं तो मैं कितना पावरफुल नहीं हो जाऊंगा। तभी जियो यो कहता है चलना कोशिश कर देख लेते हैं, और इस आवाज में खतरनाक किलिंग इंटेंट हो रहा होता है। और इससे पहले कि ब्लैक ड्रैगन सैलामेंडर कुछ भी एक्शन ले पाता, एक काफी वाइल्ड और खतरनाक एयर उसे पीछे की तरफ उड़ा देती है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है और लगभग उसकी हड्डियां एक एक करके टूट जाती हैं और वो जमीन पर गिरता है। तभी जियो यान जिसके फेस बदन काफी ठंडे होते हैं, बाल अस्त व्यस्त होते हैं, कपड़े फटे हुए होते हैं, उसका बायां सीना थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है और आंख पावरलेस होता है। वो तुरंत ही अपनी ओरिजन क्विक एक्टिवेट करते हुए कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में ड्रैगन हो या सिर्फ जमीन में रेंगने वाले कीड़े। जिसके बाद जियो यान अपनी बात को खत्म करता है, अपने हाथों को ऊपर उठाता है और पावरफुल ओरिजन को जन के हर एक बॉडी पार्ट के एक्यूपंचर पॉइंट से निकलने लगती है, और जियो यान के पीछे एक एज़ियो ड्रैगन कंडेंस होने लगता है, जिसके अफेयर होते ही पूरी तरीके से आसपास का एयर और एटमॉस्फेयर फ्लक्चुएट होने लगता है। जिसके बाद जियो यान कहता है एज़ियो ड्रैगन आर्ट एज़ियो ड्रैगन स्लेइंग फार्मामेंट, और इसके बाद एक ड्रैगन अचानक से वॉइड को चीरता हुआ जियो यान के पास अपीयर होता है, और यह जियो यान के एज़ियो ड्रैगन की थर्ड फॉर्म थी जो पहले ही मोनार्क आर्ट के लेवल को क्रॉस कर चुकी थी और होली आर्ट से बस थोड़ा ही वीक थी। दूसरा ब्लैक ड्रैगन सैलामेंडर जो अपनी आंखें खोलने ही वाला था, उसका मुंह अचानक पहले खुल जाता है और उसकी आंखों में ब्लैक फ्लेम जल रही होती है, मानो जैसे वो किसी तरीके की हिडन टेक्निक का यूज कर रहा हो। तभी अचानक वो स्टोन गोलम उसकी पावर स्पेस को क्रॉस कर जाती है और वो तुरंत ही आसमान को चीरता हुआ पहाड़ जैसा पंच जियो यान की तरफ शूट कर देता है। दूसरी तरफ जियो यो जो कि काफी ज्यादा अलर्ट था, उसकी आंखों में तुरंत ही घबराहट आ जाती है, साथ ही उसने देखा था प्रेजेंट टाइम पे जियो यान की बॉडी में ज्यादा पावर नहीं बची थी, उसने अपनी बॉडी की आधी ताकत तो पहले ही इस्तेमाल कर ली थी एज़ियो ड्रैगन को अफेयर करने के लिए, और उसे डर था कि जियो इस सिचुएशन में कोई भी फायदा नहीं उठा पाएगा। हालांकि वो सीरियस होकर यह सोच ही रहा था कि तभी वो एक खतरनाक अटैक को रेडी करने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक आवाज आती है हेवनली एम्परर फायर बर्निंग बॉडी, और इसके बाद वो स्टोन गोलम जियो के सामने आया ही था कि तभी जियो की आंखें उससे क्रिमसन गोल्डन फ्लेम निकलने लगती है, काफी खतरनाक किलिंग इंटेंट और जियान की बॉडी से रिलीज होने लगता है और जियान की पूरी बॉडी उसकी फ्लेम से कवर हो जाती है, और इस टाइम पे जियान काफी ज्यादा पावरफुल फ्लेम दी गॉड दिखाई दे रहा होता है, जैसे दुनिया की हर एक फ्लेम उसका ऑर्डर मानने वाली हो। साथ ही जियान की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वो स्पेस और अर्थ को भी चीर सकती थी, जिसके बाद जियान अपने दाहिने हाथ को कसकर कसता है, जिसके बाद जियो यान की पावरफुल पंच सीधा ही उस स्टोन मैन से जाकर टकराती है, और इस पंच की पावर के कारण उस स्टोन मैन के पास पीछे हटने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता, और जब वो चारा दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पे जाकर गिर जाता है और उठ भी नहीं पा रहा होता, तभी जियान के होठों के निशान अचानक ही स्माइल में बदल जाते हैं और उसकी चार्जिंग फिगर थोड़ा सा स्लो होती है, जिसके बाद जियान कुछ ही दूरी पर ब्लैक ड्रैगन को देखता है और उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद जियान हंसते हुए अपने पैर को ड्रैगन के ऊपर रखता है, जिससे ब्लैक ड्रैगन कांपने लगता है और जमीन में हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं करता। तभी जियो यान कहता है कोई चालाकी मत करो, मैं अभी भी तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ, मुझे उस टूटी हुई तलवार के पास ले चलो, और ये देखकर कि वो ब्लैक ड्रैगन अभी भी किलिंग इंटेंट टोरे के साथ उसे देख रहा था, जियान अपने पैर से थोड़ा और बल लगाता है, जिससे बेचारा तुरंत ही जमीन में दुबक जाता है। तभी जियान कहता है मेरे पास तुमसे बात करने की और ज्यादा टाइम नहीं है, और जियान के पावरफुल फोर्स के कारण जमीन में भी क्रैक बनने लगे थे, और इस टाइम जियान काफी गुस्से में भी होता है क्योंकि जियो यान को इसने चीट करने की कोशिश की थी। तभी ड्रैगन कहता है मेरे पास बात करने पर भी तुम केवल अपना टाइम ही बर्बाद करोगे, इससे जियो यान और गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो जब हेवन डिवाइन माउंटेन में आया तो सेंट जियो ने उसे धमकी दी थी। इसके बाद ये मिस्टीरियस पर्सन जिसने अचानक ही जियो यान को डरा दिया था उसके सपनों में आकर, जिसके बाद ये ब्लैक ड्रैगन सैलामेंडर उससे खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा था, जिससे तो जियो यान का धैर्य पूरी तरीके से खत्म हो गया था। तभी ब्लैक ड्रैगन सैलामेंडर कहता है मुझे मारने पर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और काफी पागलपन तरीके से जियो यान को देखता है। तभी जियो यान जियो यो की तरफ देखते हुए कहता है इसे अभी के अभी मार डालो, और इस टाइम पे तो जियो ने लगभग अपना आपा खो दिया था। तभी जियो यो कहता है मामू रोके यार एक मिनट, ऐसे नाराज नहीं होते, मैं बात करता हूँ ना, और इसके बाद जियो यो जियो यान के बगल में दिखाई देता है और जियो यान के अटैक को रोक देता है, जिसके बाद वो कहता है मामू देख मैं कैसे डील करता हूँ, ये हर चीज का तरीका होता है, ये अभी सब कुछ बता देगा। तभी जियो यान कहता है अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसा ही हो, वरना
और इसी वर्णा के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। हमें पता है वर्णा का मतलब क्या है, तो चलो क्या होगा आगे देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे। ओके बाय बाय थ्री एंड फैमिली। और ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है और टाइम कुछ ज़्यादा ही लग गया है, तो सॉरी इसके लिए। ओके बाय बाय थ्री एंड फैमिली, गुड नाइट।